शुरुआत में हम मॉन्क मास्टर टैंक को देखते हैं, जो इंडिया पहुंचने के सपने देख रहा होता है, जिसमें वहां के लोग उसे बताते हैं कि वो जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच चुका है। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पे मास्टर टैंक के गुरु आ जाते हैं, जो उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड देते हैं, जिसे पाकर मास्टर टैंक बहुत खुश होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और मास्टर एक झोपड़ी में सो रहा होता है। तभी वहाँ के सर्कस के मालिक का एक आदमी आता है, जो मास्टर से कर्तव्य दिखाने को कहता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सर्कस का मालिक उसे वहाँ सोने नहीं देगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। दरअसल मास्टर टैंक एक मॉन्क होता है, जो भोजन के लिए लोगों को कर्तव्य दिखाता था। तभी उसके पास दो लेडी आती है, जो उसे दो चवन्नी देकर कर्तव्य दिखाने को कहती है। तो मास्टर उन्हें अपने पिगी की सुंदरता दिखाते हैं, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आता। तो फिर मास्टर उन्हें अपनी फिश सैंडी को दिखाता है, जो उन्हें अजीब हरकतें करके दिखाता है, जिसकी वजह से एक लेडी का बच्चा रोने लगता है। तो वो लेडी अपने पैसे वापस लेने लगती है, पर तभी मास्टर उसे वो पैसे लेने से रोक देता है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मास्टर कहता है कि मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाता हूँ। तो वो लेडी मास्टर से कहती है कि यदि ये उन्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम सब लोगों को दुगने पैसे दोगे। तो मास्टर उनकी शर्त को मान लेता है, और उसके बाद मास्टर अपने मंकी किंग को कर्तव्य दिखाने को कहता है, लेकिन मंकी भी मास्टर को निराश कर देता है। वहाँ पे इकट्ठे सारे लोग उनसे नाराज होकर उन्हें सब्जियां फेंक कर मारने लगते हैं। उसके बाद वहाँ के सर्कस के मालिक को मास्टर टैंक बताते हैं कि वो लोग कोई सर्कस वाले नहीं, बल्कि वो लोग डेमन शिकारी हैं, जो डेमन्स को कैद करते हैं। और उसके बाद मास्टर टैंक मंकी को अपना कमाल दिखाने को कहता है। तो मंकी उठता है और पिगी के पास जाकर उसे मारने को कहता है, लेकिन पिगी मंकी को नहीं मारता है। तो इसके बाद मंकी सैंडी के पास जाकर मारने को कहता है, पर सैंडी जैसे ही मंकी को एक जोरदार पंच मारता है, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और चंद ही सेकंड में फिर से उसका सिर वापस आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। और इसके बाद पिगी, सैंडी और मंकी तीनों मिलकर अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर टैंक मंकी किंग को अपना ताज पहनने को कहता है। तो मंकी अपनी ताज ठीक से नहीं पहनता और मास्टर के सामने वो एटीट्यूड दिखाता है। इस पर मास्टर गुस्से में मंकी किंग को बेवकूफ बंदर बोल देता है, जिससे मंकी किंग गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही मास्टर को वो मारने के लिए जाता है, मास्टर उसे शांत करने के लिए एक संगीत गाने लगता है, जिसे सुनकर मंकी किंग मास्टर को तो कुछ नहीं करता है, लेकिन पूरे गाँव में वो तोड़फोड़ मचा देता है। ये सब देखकर मास्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम किंग नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। तो उसकी मॉम को देखने के लिए तांत्रिक आए होते हैं, जो जादुई आईने की मदद से किंग के मॉम के अंदर के शैतान को देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किंग के मॉम के अंदर कोई शैतान नहीं होता है, लेकिन उन तांत्रिकों को उस कमरे में शैतान की बू आ रही होती है। तभी उनकी नजर किंग पर जाता है, और जैसे ही वो तांत्रिक किंग की ओर देखते हैं, किंग एक स्पाइडर डीमन में बदल जाती है और उन तांत्रिक को मार देती है। इसके बाद हम मास्टर टैंक को देखते हैं, जो मंकी को उसकी गलतियों के लिए पनिश कर रहे होते हैं। मंकी वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। इसके बाद जब मास्टर उन तीनों से अलग होने की बात करते हैं, तो पिगी मास्टर को ऐसा करने से मना करता है, और आखिरकार मास्टर उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद मास्टर उन्हें समझाता है कि उसके पास बुद्धा के पंजे की शक्ति होने के बावजूद उसे मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसका पूरा समय उन लोगों को संभालने में निकल जाता है। उसके बाद अगली सुबह सैंडी और पिगी में पानी लाने को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये देखते हुए स्वयं मास्टर ही पास के एक घर से पानी लाने के लिए निकल जाता है, और वो घर किसी और का नहीं बल्कि किंग का होता है, जो मास्टर को खाने के लिए इनवाइट करती है। तो मास्टर अपने तीनों शिष्यों को भी बुला लेता है, और जब मास्टर वहाँ पे खा रहे होते हैं, तो स्पाइडर डेमन किंग मंकी का असली रूप ले लेती है, और वही मंकी भी किंग और उसकी फ्रेंड का असली रूप देख लेता है। लेकिन मास्टर टैंक को उनकी सिर्फ सुंदरता ही दिख रही थी। इस पर मंकी किंग के पास आता है और किंग को मारने को कहता है, लेकिन किंग मंकी को नहीं मारती है। तो सैंडी आकर मंकी को एक जोरदार पंच मारता है, और एक बार फिर से मंकी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, और अगले ही पल वहाँ पे दूसरा सिर आ जाता है। तो मास्टर टैंक सैंडी और मंकी के इस हरकत से नाराज होकर उन्हें डांटने लगता है। तो मंकी और सैंडी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी किंग और उसकी फ्रेंड अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तो मास्टर के तीनों शिष्य उस डेमन से मिलकर सामना करते हैं, और इसी फाइट के दौरान एक स्पाइडर सैंडी के चेहरे पर जहर डाल देती है, जिससे सैंडी का चेहरा बदलने लगता है। इसके बाद मंकी मास्टर टैंक और किंग को लेकर पाताल में चला जाता है, जहाँ पे मास्टर टैंक किंग को अपने बस में करने के लिए जाते हैं, पर तभी किंग वहाँ पे मास्टर स्पाइडर डेमन में बदल जाती है। तो मंकी किंग को मारकर अपने कब्जे में कर लेता है, और जैसे ही मास्टर टैंक किंग को अपने बस में करने के लिए जाता है, तो मंकी उसे मार देता है। इसके बाद हम रात में मंकी को देखते हैं, जो पिगी और सैंडी से मास्टर को मारने की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। तो मंकी मास्टर से पूछता है कि क्या आप हमारी सारी बातें सुन रहे थे। तो मास्टर मंकी से कहता है कि नहीं, मैं तो अभी आया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाकर बुद्धा से उनके पंजे की शक्ति मांगता है। दरअसल मास्टर टैंक के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, वो बुद्धा के पंजे की शक्ति का नाम सिर्फ उन तीनों को डराने के लिए लेता था। पर तभी वहाँ पे पिगी आ जाता है, जो मास्टर की सारी बातें सुन लेता है, पर मास्टर उसे समझाता है कि तुम मंकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन पिगी ये सब कुछ जाकर मंकी को बता देता है, और जब मास्टर वापस जाता है तो मंकी मास्टर से बुद्धा का पंजा शक्ति दिखाने को कहता है। इस पर मास्टर डरकर वहाँ से भागने लगता है, पर मंकी अपनी शक्ति से मास्टर को अपनी ओर खींच लेता है, और जैसे ही उन्हें मारने जाता है, मास्टर वही संगीत गाने लगता है। वो संगीत सुनते ही मंकी डांस करने लगता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर वहाँ से भाग जाता है। पर मंकी भी मास्टर के पीछे जाता है, और जब मास्टर फंस जाता है तो वो मंकी से कहता है
कि वो उसे बुद्धा के पंजे की शक्ति दिखा सकता है और झूठ का ही वो हवा में अपना हाथ हिलाने लगता है। तो इस पर मंकी उसे मारने के लिए जाता है और जैसे ही मंकी अपनी छड़ी उठाता है पर तभी वो देखता है कि मास्टर के पास वास्तव में वो शक्तियाँ हैं। ये देखकर मंकी रुक जाता है और उसे नहीं मारता है। और जब मंकी वापस आता है तो वो पिगी को बहुत मारता है क्योंकि उसे लगता है कि पिगी ने उसे झूठ बोलकर उसे मूर्ख बनाया था। और वहीं सैंडी अपने मछली के रूप में आ जाता है तो वो लोग उसे लेकर अपने सफर पे निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में सैंडी जुकाम के कारण अपनी नाक से पिगी के ऊपर पानी गिराता है जिसे तंग आकर पिगी सैंडी के नाक को बंद कर देता है। उसके बाद ये लोग बिक्यू नाम के एक राज में पहुँचते हैं जहाँ की महामंत्री जियोगोंग मास्टर टैंग और उसके तीनों शिष्यों को लेकर राजमहल के अंदर जाती है और उन्हें राजा से मिलाती है। उनसे मिलने के बाद राजा मास्टर से पूछता है कि क्या तुम लोग शैतान के शिकारी हो, तो मास्टर उन्हें बताता है कि हम लोग शैतान के शिकारी हैं। तो ये बात सुनकर राजा उन्हें करतब दिखाने को कहता है तो मास्टर करतब दिखाने से मना कर देता है, पर इससे गुस्सा होकर राजा अपने सिपाहियों को मास्टर का गला काटने का हुक्म देता है और इससे डरकर मास्टर करतब दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मास्टर मंकी के साथ एक कमरे में जाता है और मंकी से मदद मांगता है तो मंकी मास्टर के शरीर पे एक ऐसी चीज चिपका देता है जिससे मंकी जो भी कमरे में करतब करेगा मास्टर वही राजा के सामने करेगा। और जब मास्टर बाहर आता है तो मंकी कोई करतब ना दिखा के डांस करने लगता है और मास्टर के हाथों राजा को मरवा देता है, जिससे नाराज होकर राजा मास्टर को राज्य से बाहर निकालने का आदेश देता है। तो वहाँ की महामंत्री मास्टर को उनके सफर के लिए कुछ पैसे देती है। इसके बाद मास्टर जब मंकी को देखता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है तो मंकी मास्टर से कहता है कि अब आपको समझ में आया कि बेइज्जती होने पर कैसा लगता है। मंकी की बातें सुनकर मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मंकी से माफी मांगता है और मंकी भी मास्टर को माफ कर देता है। इसके बाद मास्टर दोबारा राजमहल में जाता है ताकि अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सके। और जब मास्टर मंकी को अपना कमाल दिखाने को कहता है तो एक बार फिर से मंकी राजा को मारने लगता है, पर तभी वो राजा मंकी पर आग बरसाने लगता है। दरअसल राजा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक रोबो बॉय होता है जिसे मंकी पहचान गया था, जिसके पास आग और चक्र की शक्तियाँ होती है, जिससे वो मंकी पर वार करने लगता है। और इस पर मंकी भी उसके वार का सही से जवाब देता है जिससे रोबो बॉय नीचे गिर जाता है। और तभी सैंडी रोबो बॉय को फ्रीज कर देता है और इस लड़ाई के दौरान ही उस राज्य का असली राजा भी मिल जाता है जिसे रोबो बॉय ने कैद कर दिया होता है। और जब रोबो फ्रीज हो जाता है तो मास्टर उसे अपनी शक्ति से टॉय बना देता है और उसे उठाकर वहाँ के मंत्री जियो गोंग को दे देता है। वहाँ का राजा मास्टर और उसके शिष्यों से बहुत खुश होता है और अपने महल की सभी दासियों को उन्हें अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन मास्टर उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तभी मास्टर को उन दासियों में से एक नई दासी दिखाई देती है जिसके बारे में राजा पूछता है तो महामंत्री जियो गोंग राजा को बताती है कि उसका नाम फेलिसिटी है और वो एक सिंगर है। तो राजा उसे एक सॉन्ग गाकर मास्टर को विदा करने का आग्रह करता है और जब मास्टर फेलिसिटी के संगीत को सुनता है तो उसमें उसे अपनी पुरानी प्रेमिका दिखाई देती है जिससे मास्टर को फेलिसिटी से प्यार हो जाता है। और जब सॉन्ग खत्म होता है तो राजा एक बार फिर मास्टर टैंक से पूछता है कि क्या वो फेलिसिटी को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो मास्टर चाहते हुए भी राजा को मना कर देता है। इधर फेलिसिटी भी चाहती है कि मास्टर उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि वो भी मास्टर को चाहने लगी थी, लेकिन राजा के बार बार पूछने पर भी मास्टर उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। और जब मास्टर अपने सफर में होता है तो रात में उसे फेलिसिटी की बहुत याद आती है। तो अगली सुबह मास्टर एक बार फिर से राजमहल में वापस जाता है और राजा से फेलिसिटी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करता है, तो राजा ना चाहते हुए भी फेलिसिटी को मास्टर को सौंप देता है। फेलिसिटी को पाकर मास्टर बहुत खुश होता है और जब वो अपने सफर पे होते हैं तो पिगी फेलिसिटी को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता है जिसकी वजह से मंकी पिगी को उल्टा लटका देता है। और वहीं जब फेलिसिटी सैंडी के नाक को बंद देखती है तो उसे खोल देती है। नाक खुलने की वजह से सैंडी को छींक आ जाता है और जैसे ही सैंडी छींकता है वो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद हम मंकी को देखते हैं जो मास्टर को बताता है कि फेलिसिटी एक शैतान है जो उसे मारना चाहती है, लेकिन मास्टर मंकी की बात पर विश्वास नहीं करता। तो मंकी फेलिसिटी के अंदर के शैतान को मास्टर को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी को उसके शैतान होने की एक भी सबूत नहीं मिलता। ये देखकर मास्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि फेलिसिटी कोई शैतान नहीं है, लेकिन मंकी को अभी उस पर विश्वास नहीं था। तो वो फेलिसिटी से उसके रहने के स्थान के बारे में पूछता है। वो मंकी को बताती है कि वो रिवर माउथ विलेज से आई है। तो मंकी उसके विलेज रिवर माउथ जाता है और उसके परिवार से मिलता है, लेकिन उसके परिवार के मिलने के बाद भी मंकी को फेलिसिटी पर विश्वास नहीं होता। तो मंकी उसके परिवार वालों को मारने लगता है और जैसे ही मंकी फेलिसिटी को मारने जाता है मास्टर मंकी को रोक देता है और अपनी पहली प्रेमिका दुआना की मौत का इल्जाम लगाते हुए मंकी को भला बुरा कहता है। इससे मंकी मास्टर पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मास्टर टैंक को देखते हैं जो उदास होकर बैठा होता है। तभी उनके पास फेलिसिटी आती है जो उसकी प्रेमिका दुआन के बारे में पूछती है। तो मास्टर फेलिसिटी को मिस दुआन के बारे में बताता है कि दुआन भी एक डेमन शिकारी थी, लेकिन मंकी ने उसे मेरे ही सामने मार दिया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। तभी वहाँ पे सैंडी और पिगी आ जाते हैं जो मास्टर को बताते हैं कि मंकी ने पूरे गांव वालों को मार दिया है। मास्टर और फेलिसिटी भागते हुए गांव में जाते हैं और देखते हैं कि मंकी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। और जब फेलिसिटी अपने घर जाती है तो देखती है कि मंकी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद जैसे ही मंकी फेलिसिटी को मारने जाता है मास्टर मंकी को रोकने की कोशिश करता है तो मंकी मास्टर पे भी हमला करने लगता है।
मास्टर को मार खाते देख फेलिसिटी उसे अपनी असलियत बता देती है कि सच में वो एक शैतान है। उसके बाद फेलिसिटी उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले उनके गांव में कुछ डाकू आए थे तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया और उन डाकुओं ने उन्हें मारकर वहीं फेंक दिया। उसकी बॉडी तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। ये सुनने के बाद मंकी अपने मास्टर रूप में आ जाता है और मास्टर को अपने मुंह से निगल जाता है। फेलिसिटी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मंकी मास्टर को निगल कर पर्वतों की ओर चला जाता है। तभी वहाँ पे महामंत्री जियो गोंग रोबो बॉय के साथ आती है जो मंकी को बताती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया के सभी मास्टर अपने असली रूप में आ जाए। दरअसल ये सब उसी की एक चाल होती है ताकि मंकी मास्टर को मार दे और मास्टर के साथ ही बुद्धा के पंजे की शक्ति भी खत्म हो जाए। तो इसके बाद जियो गोंग मंकी को अपना सर झुकाने को कहती है पर तभी मंकी मास्टर को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। मास्टर जियो गोंग को बताता है कि उन्हें उनकी असलियत के बारे में सब कुछ पता है और ये सब उसे पकड़ने के लिए उनका एक प्लान था। इसके बाद जियो गोंग रोबो बॉय को उन्हें मारने के लिए भेजती है लेकिन पिगी सैंडी और मंकी उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। दरअसल महामंत्री जियो गोंग कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि शैतान की रानी होती है। उसके बाद मंकी और जियो गोंग के बीच फाइट होने लगता है। फाइट करते हुए जियो गोंग समुद्र में चली जाती है जहाँ वो बुद्धा की तीन मूर्तियाँ बनाती है और वो तीनों मूर्तियों की मदद से जियो गोंग मंकी पर वार करती है और उसे बंदी बना लेती है। और जैसे ही मंकी बंदी बन जाता है मास्टर टैंग अपने बुद्धा के पंजे की शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे उन तीनों नकली मूर्तियों को वो नष्ट कर देता है और मंकी को आजाद कर देता है। और इसी के साथ ही जियो गोंग की शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। मंकी वहाँ से आजाद होकर जियो गोंग को अपने हाथों में लेकर उसे खाने वाला होता है। तभी बुद्धा की आवाज आती है जो जियो गोंग से कहते हैं कि तुम इतने दिनों से पृथ्वी पर रहने के बाद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ पाई। ये कहते हुए बुद्धा उसे अपने पंजों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो फेलिसिटी को ठीक करना चाहता था लेकिन वो उसे बताते हैं कि अब उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी पूरी आत्मा शैतान बन चुकी है। तो मंकी मास्टर टैंक को बताता है कि फेलिसिटी सच कह रही है, उसकी आत्मा पूरी तरह शैतान बन चुकी है। इसके बाद फेलिसिटी मास्टर टैंक से कहती है कि आप मुझे मारकर मेरी आत्मा को मुक्त कर दे तो मास्टर ना चाहते हुए भी उसे मार देता है जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और इसके बाद मास्टर अपने तीनों शिष्यों के साथ पश्चिम दिशा की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।